सिंगोंडा में लॉकडाउन का आज का हाल कुछ इस प्रकार रहा कि कहीं पर तो एकदम सन्नाटा रहा तो कहीं पर कुछ ऐसे यात्री जो पैदल चलकर गोरखपुर बस्ती और लखनऊ से गोंडा पहुंचे थे उनको आगे भिजवाने के लिए बड़गांव पुलिस चौकी चौराहे पर तैनात TSI संतोष कुमार ने बताया कि पहले तो उन लोगों की जांच कराई गई है, उसके बाद उन्हें भोजन कराकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो भाई कहां से आ रहे हो? वहाँ मजदूरी करने गए? इस तरह केला में फेल रहे हैं या और श्रीमान जी? ठीक है सर। लॉकडाउन में आप क्यों आखिर ओपन हैं? आप भी लॉकडाउन हो जाइए। आज लॉकडाउन के पांचवें दिन आपको हम बड़गांव पुलिस चौकी चौराहे का हाल दिखाना चाहते हैं। हाँ सर, ये आपके पीछे जो भीड़ इकट्ठी है ये कैसी भीड़ है भाई? ये सब पैदल अपने घरों के लिए जा रहे हैं। ये कहाँ से निकले लोग? ये गोरखपुर से आ रहे हैं, कुछ सिद्धार्थ नगर से आ रहे हैं। सबको यहाँ खाना खिलवाया गया है, यहाँ बैठाया गया है कि पैदल ना जाओ इधर उधर घूमते हुए। सबका मेडिकल कराया गया है। अच्छा। मेडिकल कराने के बाद से जो गाड़ियाँ जा रही है गाड़ियों पर बैठा के इनको भेजा जा रहा है। मेडिकल में ये सब लोग पास है? हाँ, सब लोग पास है मेडिकल में। सभी लोगों को रोक करके एक जगह मेडिकल करा दिया गया है, खाना खिला दिया गया। आज पांचवें दिन का हाल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये वही गाड़ियां हैं जो लोगों को, जो परेशान लोग हैं या जो पैदल आए हैं। अभी रोडवेज की दो गाड़ी भी गई लखनऊ। हाँ, वो लखनऊ से आई थी, लखनऊ गई है। नहीं, गोंडा की गाड़ी, गोंडा डिपो की, लेकिन जा रहे हैं लखनऊ से पैसेंजर लाने को। बाकी ये सारे चौराहे सुनसान पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, बाकी तो सब आपकी व्यवस्था तो बढ़िया रहती ही है भाई। आज कोई नई व्यवस्था नहीं है आपकी, व्यवस्था चाक चौबंद रहती। गोंडा से केकेडी न्यूज़ संवाददाता नरेन लाल गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा में इस आपदा की घड़ी में अपनी जान की परवाह न करके मंगलम गैस एजेंसी के कर्मचारी लोगों को घर घर गैस मुहैया करा रहे हैं ताकि लोगों को उनके दैनिक जीवन के कामों में किसी भी तरह की कोई बाधा न आए। गोंडा से केकेडी न्यूज़ संवाददाता नरेन लाल गुप्ता की रिपोर्ट।